हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड 1/2 ऑफ नंबर 124, नंबर 246। मतलब आपको 1/2 ऑफ 24 निकालना है, फिर 1/2 ऑफ 46 निकालना है। ये आपका ए पार्ट है। बी पार्ट में क्या है? 2/3 ऑफ नंबर 118, नंबर 227। मींस 2/3 ऑफ 18 निकालना है एंड 2/3 ऑफ 27 निकालना है। सी पार्ट 3/4 ऑफ नंबर 116, नंबर 236। मींस 3/4 आप 3/4 ऑफ 16 निकालना है एंड 3/4 ऑफ 36 निकालना है। नंबर डी पार्ट 4/5 ऑफ नंबर 120 एंड नंबर 235। मींस 4/5 ऑफ 20 आपको निकालना है एंड 4/5 ऑफ 35 निकालना है। चलिए सबसे पहले नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। नंबर ए का पहला लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ 24, यही होगा ना। ए का पहला 1/2 ऑफ 24। ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई 24 बाई 1 लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों 2 की टेबल से कट जाएंगे। 2 1 2 2 2 2 4। सो ये 12 हो जाएगा और डिवाइड में 1 आएगा, 1 हम लिख नहीं रहे, यही आपका आंसर है। अब ए का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ए का सेकेंड पार्ट क्या है? 1/2 ऑफ क्या? 46। 1/2 ऑफ 46, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 46 को 46/1 लिख सकते हो। 2 की टेबल से दोनों कटेंगे। 2 1 2 2 2 4 2 3 6। क्या आंसर आएगा? 23 1 23। दिस इज योर आंसर। नाउ बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या है? बी का पहला सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 2/3 ऑफ 18। 2/3 ऑफ 18, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 18 को 18/1 लिख सकते हो। सिंप्लीफाई करिए। 3 1 3 3 6 18। अब सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए। 6 2 12 और डिनोमिनेटर में 1 है, 1 1 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बी का सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट 2/3 ऑफ 27। 2/3 ऑफ 27, चलिए सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 27। सो 27 को 27/1 लिख लीजिए। ये दोनों 3 के टेबल में कट रहे हैं। 3 1 3 एंड 9 3 27 या 3 9 27। ओके, सो 9 2 18, यही आपका आंसर आ गया। यहां पे लिख देती हूँ 9 2 18। नाउ सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट का सबसे पहले पहला सॉल्व करेंगे। क्या है? 3/4 ऑफ 16। 3/4 ऑफ 16, सो इसको लिख सकते हो। 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 16 को 16/1 लिख दिया है। अब सिंप्लीफाई करिए। 4 1 4 4 4 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 4 3 12, डिवाइड में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ सी का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या है? 3/4 ऑफ 36। यहां पे हो जाएगा 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 36 को 36/1 लिख सकती हूँ। 4 की टेबल में 36 आता है। 4 9 36। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 9 3 27। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 4/5 ऑफ 20। 4/5 ऑफ 20, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 4/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड 20 को 20/1 लिख सकते हो। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 1 5 5 4 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 16 एंड डिनोमिनेटर में 1 आएगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। एंड डी का आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या है सेकेंड पार्ट? 4/5 ऑफ 35। 4/5 ऑफ 35, ये कैसे लिखेंगे इसको? 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई
35 को 35 बाय 1 लिख सकते हो। ये दोनों 5 की टेबल से कट रहे हैं, 5 1 5 5 7 35। अब ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करा लीजिए तो हो जाएगा 7 4 28। दिस इज योर आंसर। तो आपने सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है, यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।